चने खाने की जिद कर रहे एक मासूम की चने ने जान ही ले। मामला रतलाम के शिवगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 3 साल के बच्चे की चने खाते समय अचानक मौत हो गई। छावनी झोड़िया का रहने वाला गौतम मचार अपने 3 साल के पुत्र के साथ पाटड़ी गांव आया हुआ था, जहां वह एक दुकान से चने खरीद कर खा रहा था। तभी उसके 3 वर्षीय पुत्र ने भी चने खाने की जिद की। पिता ने अपने बेटे को खाने के लिए कुछ चने दे दिए, लेकिन तभी अचानक चने खाते हुए 3 वर्षीय मासूम महेश बेहोश हो गया। बेहोश बेटे को पिता अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक सांस की नली में चना फंसने की वजह से बच्चे की मौत होने की संभावना है। हालांकि मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगा। छावनी झोड़िया का रहने वाला गौतम मचार अपने बेटे 3 वर्षीय महेश को लेकर अपने ससुराल पाटड़ी गांव आया हुआ था, जहां वह अपने साले की दुकान से चने लेकर खाने लगा। अपने पिता को चने खाता देख महेश ने भी चने खाने की जिद की, जिस पर पिता ने बेटे को खाने के लिए चने दे दिए, लेकिन चने खाने के दौरान अचानक से महेश बेहोश हो गया। बदहवास परिजन बेहोश महेश को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवगढ़ थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। शिवगढ़ थाना पुलिस ने बताया, ये ग्राम छावनी झोड़िया का गौतम झोड़िया अपने ससुराल पाटड़ी में आया था, तो अपने साले की दुकान पर ये बैठे थे, साले जीजा दोनों, साथ में इसका बच्चा महेश भी था। और इसके बच्चे ने चने वने मांगे, तो इसके पिताजी ने चने निकाल के दिए उसको, तो चने खाते ही बच्चा वहीं पे बेहोश होके गिर गया। उसकी जांच मर्ग जहाँ कायम करके उसकी जांच की जा रही है, जैसी जांच रिपोर्ट आएगी वस्तुस्थिति कार्रवाई की जाएगी। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की 3 साल करीब उम्र है। देश की स्वतंत्रता का 75वां जश्न रविवार 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाए जाने वाले इस पर्व की खुशियों के लिए शासकीय कार्यालयों पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। शासकीय इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से रोशन होकर पर्व की खुशियां मनाई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर सभी शासकीय कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया जाएगा। बीमारी से परेशान चल रहे नगर निगम कर्मचारी ने अपने हाथों से अपना गला रेत कर आत्महत्या कर ली है। खबर के मुताबिक सुभाष नगर निवासी गोपाल पिता चतुर्भुज कुछ समय से लकवा ग्रस्त थे, वे शराब पीने के भी आदि थे। गुजरी रात उन्होंने अपने हाथ से अपना गला रेत लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में डीडी नगर थाना पुलिस के सिंह पटेल ने बताया। सुभाष नगर का गोपाल पिता चतुर्भुज हरिजन समाज के हैं, नगर निगम में काम करते थे। काफ़ी समय से ये पहले लाइसेंस हो गए थे, वो अपने घर पे रहते थे और शराब पीने के बड़े आदी थे। और ये कई बार अभी चेष्टापुर में भी किया था मरने उड़ने की वजह से। आज रात में जो है स्वतः चाकू से गला काट लिए, इसकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जाँच की जा रही है, मर्ग कायम किया गया है। मृतक के परिजन ने बताया। क्या कुछ आपको जानकारी मिली? आप जानकारी है सर कि कल दोनों पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था, तो मम्मी हमारे पास आ गए थे और नाइट में, इसके बाद सुबह हमने जाके देखा था ऐसी हालत में मिला। क्या कर लिया था इन्होंने? हाँ, क्या कर लिया था इन्होंने? गले पे वो चाकू से वार वो करा। तो इन्होंने खुद नहीं किया है कि क्या हुआ है? नहीं, खुद नहीं करा। हाँ, माता पिता के बीच में हो रहा था, तो काफी दिनों से रोज ही करता था, रोज दारू पीता था। कर्मचारी ये नगर निगम में स्थाई है। नाग पंचमी पर्व की शाम शहर के तेजाजी मंदिरों में आरती के आयोजन हुए। तेलियों की सड़क रामगढ़ स्थित वीर तेजाजी मंदिर पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। शाम को तेजाजी मंदिर पर आरती कर नाग देवता से सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना की गई।
नगर निगम और जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने स्पॉट फाइंड की कार्रवाई की। टीम ने जांच के दौरान डेंगू के लार्वा पाने पर उन लोगों पर स्पॉट फाइंड की कार्रवाई की। अलकापुरी चौराहा स्थित मेन रोड की दुकानों पर नगर निगम अधिकारी एपी सिंह व नगर निगम की टीम के साथ जिला चिकित्सालय डॉक्टर प्रमोद प्रजापत की टीम ने फाइन की कार्रवाई की। वाइट वाले दिख रहे हैं। अच्छा, ये वाला जीरा।